अगर इरम आई तो तमाम जवान लड़कियां इस माहौल से या ओमान या कतर भेज कर जाएगी। अभी जो लाइन मैंने बोली है ना, इस लाइन को आप लोगों ने नोट कर लेना है और आज का लेक्चर इसी लाइन पे डिपेंड करता है हमारा। तो जी हाँ, आज का जो लेक्चर है वो है मिडिल ईस्ट का मैप। चूंकि आप जो लोग मुझसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जो अब थर्ड लेक्चर है वो मिडिल ईस्ट का ही है, और इसके बाद जो फिफ्थ लेक्चर है आप लोगों का पैलेस्टीन इशू का है, तो वो तो स्लाइड्स हैं वहां पे आपको उस लिहाज से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। तो काइंडली जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है ना वो क्या है, मिडिल ईस्ट का जो मैप है ना वो हमने देखना है आज के, उसमें कितनी कंट्रीज हैं और उनके नाम क्या हैं और किस तरह जो है वो किस किस जगह पे हैं। अच्छा जी, देखें मैंने भी आपको बोला ना जो, और मैंने आपको साथ ही कहा कि आप नोट कर लें, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर जो है हम अपना ये सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इरम आई तो सब जवान लड़कियां इस माहौल से या ओमान या कतर भेज भेज सॉरी कर भेज कर, और नेक्स्ट है जाएगी, जे ए वाई ई जाए, जी आई ई। ठीक है। अच्छा, अभी जो रेड वाला मैंने लिखा है ना, मैंने इसीलिए लिखा है कि आप इसके इला मतलब लाइन तो पूरी अपने याद करनी है, लेकिन इस लाइन इन दो वर्ड्स का ना कोई काम नहीं है खास यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, ये बेसिकली ना इसे निमोनिक्स कहते हैं। आप वो अक्सर लोगों से कहते हैं ना जो सीएसएस पीएमएस कर रहे होते हैं, यार हमें नोट्स दे दो, हमने भी प्रिपरेशन करनी है वगैरह वगैरह, तो जो नोट्स होते हैं वो सबने अपने बनाए होते हैं। मेरे नोट्स हैं, आपको ये वाला जुमला ना और कहीं भी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे हम देखते हैं, और साथ ही आपको पता चल जाएगा आपकी मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अच्छा जी, तो आपको इसी जुमले से ये तो पता चल गया ना कि आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कितने हैं। तो अब आगे चलते हैं हम, इसको याद करने का किस तरह तरीका का है। तो हम जो है ना स्टार्ट करेंगे, मैप मैंने पहले इसलिए बना लिया ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं तो वैसे भी आपका काफी टाइम खा जाता हूँ, तो इसलिए मैंने मैप पहले बना लिया है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ना इस तरफ आपको ये वाली जो नोक नजर आ रही है, ये वाली, ये कोई जानी पहचानी नोक लग रही है आपको? ये वाली जानी पहचानी है आपकी, पाकिस्तान का, आपके अपने पाकिस्तान का मैप है। ठीक है, ये आगे ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो है ना यहाँ पे है आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वो मिडिल ईस्ट में नहीं आता, इसलिए मैंने रेड से लिख दिया इसे। अब हम चलते हैं जो हमारे असल कंट्रीज हैं। मैंने आपको बोला इरम, ठीक है, इरम आई, उसके बाद तो ये आ गया आपका टर्की, इरम आई तो सब, ये आपका आ जाएगा यहां पे सीरिया, इरम आई तो सब जवान, ये आ जाएगा आपका जॉर्डन, जवान लड़कियां, ये जो छोटा सा है ना ये है लबनान। यहां पे कैसे लिखूं, चलो थोड़ा सा साइड पे करके लिख देता हूं मैं ऐसे एरो बना के ना, LEBNON, लेबनन। ठीक है, अच्छा जी, लड़कियां इस माहौल से। अच्छा, अब जो आई है ये इसराइल है,
इसराइल, माहौल। अच्छा वैसे तो जो है ना इसको हम बोलते हैं इजिप्ट, ठीक है, मिस्र को इंग्लिश में तो हम इजिप्ट बोलते हैं, लेकिन ना वो निमोनिक्स में ना कोई वर्ड बन नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने इसलिए इसको जो है ना हमने कर दिया मिस्र, ठीक है। तो ये मिस्र भी हो सकता है ना, इजिप्ट को आप मिस्र भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका कहां तक, माहौल से। अच्छा एक और चीज, ये जो आपको ये लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये है, अभी मैं आपको बताता हूं आगे भी मजीद चीजें, ये है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है, और ये इजिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है, ये भी इजिप्ट ही है, लेकिन इस, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। कहां तक पहुंचे थे, मिस्र तक, इस माहौल से। अब से आ गया तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री आ गया, सऊदिया या ओमान, ठीक है, YEMEN, यमन, ओमान, ये आपका आ गया ओमान, या ओमान या कतर। अब ये जो ये वाला या है ना, ये वाला या है, तो ये मिलता जुलता है यू से, UAE। तो ये बस दो चीजें आपने याद रखनी है पूरी लाइन में, कौन सी, एक इस एम से क्या बनता है, इजिप्ट बनता है यानी कि मिसर बनता है, और इस वाले या से ये मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने यूएई को या कर दिया, ओमान या कतर भेजकर। अब देखें यहां पे आपको ये दो कंट्रीज नजर आ रही हैं छोटी छोटी सी, इनको मैं एरो से लिखता हूं, ये आ गया एक ओमान या कतर, QATAR, कतर, बी से भेज कर, ठीक है, यानी के बहरीन, और लास्ट में था कर, के आर कर, ये जो छोटा सा नजर आ रहा है ना आपको, ये है आपका कवेत। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं कि कंट्रीज के नाम तो आपको याद हो गए होंगे, फिर से एक बार कर लेते हैं, देखें, इरम आई तो सब जवान लड़कियां इस माहौल से, या उमान या कतर भेज कर जाएगी, जाएगी आप उड़ा दो यहां से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैप। अब मैंने आपको ये मैप क्यों समझाया है, तो थोड़ा सा मैं बता चुका हूं, मजीद बताता हूं, देखें, एक आपका टॉपिक है ना जो मिडिल ईस्ट वाला, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है, जो आपका कल का टॉपिक है, यानी कि जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आज का ही बन जाएगा, तो वो वाला टॉपिक, उसके अंदर आते हैं की प्लेयर्स, मिडिल ईस्ट के जो की प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में जो टॉप पे की प्लेयर्स है ना, उसमें एक तो आ जाता है यूएस, ठीक है, यूएस इससे बाहर है, उसको आप निकाल दो, यूएस को छोड़ दो, और तो कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ यूएस को छोड़ दो, हाँ, और दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको, यूएस को निकाल के बाकी ये जितनी कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ये मैंने साथ साथ पॉइंट भी कर दिया है, अब और जगह नहीं है वरना मैं ये लफ्ज भी इसके अंदर लिख देता, अभी मुझे लगता है कि बेहतरीन बना हुआ है, इसको मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है। यूएस को निकाल के बाकी जितनी कंट्रीज यहां पे आपको नजर आ रही है ना, वो सारी की सारी मिडल ईस्ट के जो है वो की प्लेयर्स होंगे, ठीक है। अब वहां पे जब आप लेक्चर सुनोगे ना, तो वो तो स्लाइड्स हैं, तो वहां पे मैंने कहा शायद आपको ना समझे, इसलिए मैंने मैप पे आपको प्रॉपर समझा दिया। दूसरी चीज, अच्छा ये तो की प्लेयर हो गए, हाँ मैं वो बता रहा था आपको, दो चीजें उसमें एक्स्ट्रा जो की प्लेयर्स है ना वो है, एक है हमास और दूसरी है हिजबुल्ला, मुस्लिम ब्रदरहुड और अलकायदा भी उसमें है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो हमास और हिजबुल्ला है ना, हमास है सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप और हिजबुल्ला है शिया मिलिटेंट ग्रुप, इन दोनों को ईरान बैक करता है। हमास जो है वो आपका है गजा में, इस टॉपिक पे भी मैं आ रहा था, लेकिन चलो ये बीच में आ गया तो मैं आपको बताता, क्योंकि आपका जो फिफ्थ लेक्चर है वो पैलेस्टीन इशू का है, तो ये वाला जो मैप है ना, फिर हम ये डिस्कस करेंगे सिर्फ उसके अंदर, पैलेस्टीन इशू के अंदर। अच्छा हमास जो है ना वो है इधर, ये है गजा, ये जो है ना ये है वेस्ट बैंक, हिजबुल्ला जो है ना वो है जॉर्डन में, ठीक है, वो यहां पे है,
तो ये भी की प्लेयर्स हो गए, तो वो वाले की प्लेयर्स होप सो आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, एक तो मैंने मैं समझाया कि तो सब कैंडिडेट्स के लिए क्या ना, जो भी चाहे स्टूडेंट्स हैं या नहीं है मेरे पास जो है प्रिपरेशन करने के नहीं करे, तो बाकी ये चीज जो है ना स्पेसिफिक जो लेक्चर सुन रहे हैं उन लोगों के लिए थी। अच्छा, अगली चीज जो है ना अब इसमें से वो ये है कि आपका पैलेस्टीन इशू, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना आप, ये एक ना खंजर खंजर की तरह जो है ना वो बना हुआ है अगर आप गौर करें तो, ठीक है, ये देख रहे हो ये नोक ऐसे खंजर। तो इसराइल को कहा जाता है कि अरब स्टेट्स में या अरब स्टेट्स में जो है ना एक खंजर के तौर पे है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे सऊदीया है, जॉर्डन है, सीरिया, लिबनान, ये सारी जो है ना अरब कंट्रीज आ रही हैं, इधर मिस्र जो है ये भी मुस्लिम कंट्री है, और ये बीच में जो है ना ये आ गए हैं उठ के कौन लोग, ज्यूज। तो अब ये ज्यूज कैसे आए, कहाँ से आए, और पहले जो है पहले ये वाला जो आपको खंजर सा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ, ये जो आपको खंजर नजर आ रहा है ऐसे करके, ये पूरे का पूरा था आपका पैलेस्टीन। फिर 1948 का एक मैप आता है, उसमें यूएन जो है ना आपको काफी हद तक आपके इलाके ले लेता है, ठीक है। फिर एक और मैप आ जाता है आपका 67 का आ जाता है, उसमें आपके मजीद इलाके चले जाते हैं। फिर आता है 2012 का मैप, फिर जो ये आपका ये जो वेस्ट बैंक है ना इसके अंदर भी यहाँ छोटी छोटी सी ऐसे जो है ना करीब करीब जो रजिस्टर्ड आबादी है, मेरे ख्याल वो तो 1:1 है, तो कॉलोनीज टाइप जो है ना वो बनी हुई है। तो ये मतलब आपके वेस्ट बैंक के अंदर भी इसराइल आ गया। अभी आपको वेस्ट बैंक का भी मुझे लगता है कि नहीं पता चल रहा होगा क्या है, तो इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इसराइल है ना ये पूरा पैलेस्टीन था। तो अब यहाँ पे तो मुस्लिम मतलब लोग थे ना मोस्टली, तो एक डेक्लेरेशन था उसको कहते हैं बाल्फोर डेक्लेरेशन। तो बाल्फोर डेक्लेरेशन के थ्रू जो है ना जो यूएस का फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने उसका नाम बाल्फोर था, उसने यहूदियों को कहा कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करें तो हम आपको एक अलग कंट्री देंगे, अलग जो है ना एक लैंड देंगे। तो ये उसने वादा किया, और इस तरह उन्होंने जो है जब सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 1 में, उसके बाद जो है ज्यूज जो है ना यहाँ पे बहुत कम तादाद में थे, बाकी दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में थे, तो उन्होंने तमाम ज्यूज को जो है ना वो यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे ला के जो है ना उनका एक अलग मुल्क बना दिया। तो खैर ये डिटेल्स आपको उसी लेक्चर में मैं दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये निमोनिक्स के थ्रू आपको याद हो गया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, दूसरा, जो लोग अभी तक जो है सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और सेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लाजमी सेशन को ज्वाइन करें, बहुत ही मामूली सी, आप लोगों को पता है कि उसकी फीस है जस्ट 1000, और भी कुछ लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो कंपैरिजन में मेरी फीस जो है वो 8 गुना 10 गुना कम है उन लोगों से। और इंशाल्लाह आप लोगों को जो ये इन्वेस्टमेंट होगी ना एजुकेशन में, तो ये आपकी रह नहीं जाएगी, लाजमी आप लोगों को चाहिए कि जो लोग रह गए हैं, अभी 100+ तो हो गए हैं ना मेरे पास माशाल्लाह से, तो बाकी जो लोग रह गए उनको चाहिए कि वो लाजमी लें ये जो सेशन है, आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्पफुल होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।